पढ़कर ये था यूएस खुफिया एजेंसियों के संभावित प्रभारी का रिएक्शन। अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA सहित देश की सभी खुफिया एजेंसियों के प्रभारी पद की दौड़ में शीर्ष 83 ने कहा कि वह यह पढ़कर स्तब्ध रह गए थे कि भारत ने गत महीने एक बार में 100 से ज्यादा उपग्रहों का सफल प्रक्षेपण किया। पूर्व सांसद डॉन कोटस ने राष्ट्रीय खुफिया एजेंसी के निदेशक के पद पर पुष्टि के लिए अपनी पेशी के दौरान कल सांसदों से कहा, मैं यह पढ़कर स्तब्ध हो गया था कि भारत ने एक रॉकेट पर 100 से ज्यादा उपग्रहों को अंतरिक्ष में स्थापित किया। उन्होंने कहा कि अमेरिका इससे पिछड़ते हुए दिखाई देने का खतरा मोल नहीं ले सकता। कोटस ने कहा, वे अलग अलग कार्यों के साथ आकार में छोटे हो सकते हैं, लेकिन एक रॉकेट इन्हें भेज सकता है। मुझे लगता है कि उसमें 104 प्लेटफॉर्म थे। कोटस के नाम की अगर सांसद से पुष्टि हो जाती है तो वह CIA समेत अमेरिका की सभी बड़ी खुफिया एजेंसियों के प्रभारी होंगे। गौरतलब है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 15 फरवरी को आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से रॉकेट पर रिकॉर्ड 104 उपग्रहों का सफल प्रक्षेपण किया था। भले ही चीन को इससे जलन हो, पर भारत ने वो कर दिखाया है जो बड़े बड़े देशों के लिए भी मुश्किल। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें।